गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज नया चैप्टर अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं और ये हमारे क्लास का मतलब क्लास 12 जो इस सेशन की चल रही है उसका आखिरी भी चैप्टर है। एंड द चैप्टर नेम इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। जितने बच्चों ने शेयर्स पढ़ रखा है उससे मिलता जुलता ही क्या कहते हैं ये चैप्टर है और ईजी भी है चैप्टर। किसी बुक में 9 होगा, किसी बुक में 10 होगा, किसी बुक में 8 होगा, डिपेंड करता है चैप्टर से, नंबर से डिपेंड, वो इतना मतलब नहीं है। मतलब तो है केवल कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इशू ऑफ, मतलब आपने डिबेंचर इशू करे आम जनता को। अब थोड़ा सा हम जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स एंड व्हाट इज डिबेंचर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर एक लोन होता है, डिबेंचर एक लोन होता है जो कि कंपनी बैंक से ना लेके नॉर्मल पब्लिक से लेती है और डिबेंचर को यूनिट्स में दिया जाता है, इसीलिए उस लोन को यूनिट्स में दिया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिबेंचर। भैया नहीं समझ में आया, सपोज करो मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और मेरे पास ऑप्शंस क्या है 1 करोड़ रुपए उठाने के लिए, या तो मेरे पास खुद का पैसा होना चाहिए, या खुद का पैसा होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। देन अगर मैं ये कैपिटल लोगों से लेता हूं तो उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, हाँ या ना। ये दोनों ही पैसा ओनर फंड होता है, हाँ या ना, और ओनर का पैसा कभी भी लौटाने की जरूरत नहीं होती, इसको जिंदगी भर अपने पास रख सकते हो आप, इसको लौटाने की जरूरत नहीं है। बस ओनर्स को हमें क्या बदले में क्या देना होता है, साल के अंत में प्रॉफिट, कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है और शेयर कैपिटल पे डिविडेंड मिलता है। आई विद मी कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है और शेयर कैपिटल पे आपको क्या मिलता है, डिविडेंड। समझ में आ गया भैया, मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कैपिटल में तो इंटरेस्ट मिलती है, वहाँ पे ना जाएं। कैपिटल का मतलब है कि आप ओनर हैं, अगर आप सिंगल ओनर हैं तो सारा का सारा प्रॉफिट आपका है, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ज़्यादा लोगों में, छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। समझ में आ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था इंटरम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, वो यही डिविडेंड था। नाउ अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये यहाँ से नहीं आ पाए तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं लोन ले लूँ। कहाँ से ले लूँ, बैंक लोन। वह लोन लेने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी, अपने एसेट्स को गिरवी रखने पड़ेंगे, पर डिबेंचर्स को उठाने के लिए आप गिरवी रख भी सकते हो और नहीं भी सकते, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके के डिबेंचर्स आप रख रहे हो। पर मोस्टली डिबेंचर का मेन फीचर होता है कि आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा गिरवी के लिए। अब डिबेंचर्स लोन की तरह ही होता है, पर ये डिबेंचर बैंक से ना लेके किससे लेते हैं, हम पब्लिक से। और जब पब्लिक से लेते हैं 1 करोड़ का लोन, तो पब्लिक देगी 100, कोई देगी 500, कोई देगी 600, कोई देगी 700, ऐसे जोड़ा के क्या बन जाता है 1 करोड़। तो सपोज करो मैंने एक पेपर की कीमत 100 रुपये रखी और उस पेपर को मैं बोलने लग गया आज से, क्या बोलने लग गया, तो यानी क्या बोलना चाह रहा हूं, एक डिबेंचर की कीमत कितनी रखी मैंने, तो बाजार में मैं कितने डिबेंचर्स ले जा सकता हूं, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100 कितने चाहिए मेरे को, 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख डिबेंचर्स को मेरे को इश्यू करना पड़ेगा। अब आपके अकॉर्डिंग, आप नॉर्मल पब्लिक, आप एक शेयर लेना चाहते हो तो आप एक डिबेंचर लेना चाहते हो तो 1 डिबेंचर, 10 डिबेंचर लेना चाहते हो तो 10 डिबेंचर्स। आपको इसके बदले में एज अ पब्लिक, आपको इसके बदले में क्या फीचर्स मिलते हैं, मतलब आपका फ़ायदा क्यों है अगर आप ऐसे डिबेंचर खरीदते हो। नॉर्मल कंपनी का तो फ़ायदा बहुत होता है, बट आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट मिलेगी ही मिलेगी, कि भैया आज अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपए लिए डिबेंचर के फॉर्म में और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, तो कंपनी मुझे हर साल की 10 लाख रुपए की ब्याज देगी। 10 लाख रुपए की ब्याज किसको देगी कंपनी, आम जनता को। कितने की देगी, 10 लाख की ब्याज आम जनता को।
और मैंने कितने डिबेंचर इशू करे? 1 लाख, यानी 1 लाख पब्लिक मान लूँ, यानी एक डिबेंचर पे मुझे कितने रुपए की ब्याज मिल रही है? 10 रुपए की। अगर आपने एक डिबेंचर खरीदा हुआ है तो आपको 10 रुपए मिलेंगे, अगर आपने 500 डिबेंचर खरीदे तो 500 × 10 5000 की ब्याज मिलेगी। समझ में आ गया ब्याज का कॉन्सेप्ट? बट इसके बाद आपको ये डिबेंचर कंपनी के पास, ये जैसे कैपिटल रहती है जिंदगी भर कैपिटल कंपनी के पास रहती है, ऐसे ही डिबेंचर जिंदगी भर डिबेंचर्स नहीं रहते। कंपनी को ये डिबेंचर 15 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद लौटाने पड़ते हैं। क्या करते हैं? लौटाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लोन है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का लोन है। अगर ये लोन है तो पब्लिक ने लोन दिया है कंपनी को। अब आप सब लोग कंपनी बन जाओ तो कंपनी के लिए पब्लिक एक तरीके के लिए क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट। कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी। और मोटी भाषा में अगर हम एक बात बोले, हमें जिसको पैसा लौटाना होता है फ्यूचर में, उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ या ना, हाँ या ना, क्रेडिटर्स बोल सकते हैं ना। बट ये क्रेडिटर होते नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि क्रेडिटर हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में पैसा लौटाना है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंड चार्ज? भैया ये वर्ड तो मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ है। मैंने कहा यस, ये वर्ड आपने क्लास 12th में पार्टनरशिप में पढ़ा था, चैप्टर 1 में मैंने भी पढ़ाया था, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंड चार्ज? कोई एक लड़की जो बताना चाहे, लड़के तो बता सकते हैं, लड़की कोई ऐसी? वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड, वेरी गुड। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट हो तो दे दो, नहीं हो तो मत दो। चार्ज का मतलब होता है प्रॉफिट हो तो दो, नहीं हो तो भी निकाल के लेके आओ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एप्रोप्रिएट होती होगी या चार्ज होती होगी? एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉफिट हो तो दो इंटरेस्ट, ऐसी बात नहीं है। प्रॉफिट हो तो भी दो इंटरेस्ट, नहीं हो तो वो तो आंसर क्या है? चार्ज। क्या आंसर है? चार्ज। समझ में आ गया? ओके। डिबेंचर्स को लौटाना पड़ता है हम लोगों को, तो जब हम लौटाते हैं उसको बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? रिडम्पशन का मतलब क्या होगा? जब आप डिबेंचर आपके पास 10 साल 15 साल रहे, फिर आप उनको लौटाओगे नहीं उनको पैसा? जब आप पैसा लौटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो हम जब लौटाएंगे, रिडम्पशन करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? भैया मेरे पास एक करोड़ का बोझ था, मैंने 15 साल बाद 1 करोड़ का वो बोझ उतार दिया, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ या ना? डिबेंचर्स के पास कभी कभार कंपनी के पास अगर डिबेंचर बचे हुए हैं तो वो किसको दे सकती है? बैंक को। किसको दे सकती है? फॉर वॉट? कॉलेटरल के लिए। भैया नहीं समझ में आया। कभी कभार आपको अब आपके पास 1 करोड़ रुपए चाहिए था, आपने 1 लाख डिबेंचर इशू करे, 1 लाख डिबेंचर में कुछ डिबेंचर बिके, कुछ डिबेंचर्स नहीं बिक पाए, फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है? और जो नहीं बिक पाए वो आपके पास खाली पड़े हुए, आपके पास रखे हुए हैं, तो आप कभी कभार बैंक से जा सकते हो, बैंक से बोलते हो बैंक प्लीज़ मुझे 10 लाख का लोन दे दो। कि भाई बैंक बोलेगी इसके बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे? कि गिरवी मेरे पास मेरे कंपनी के डिबेंचर हैं, वो आप रख लो। तो आप बैंक में जाके बैंक को क्या कहते हैं, डिबेंचर्स को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हो, जिसको बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक है ना? तो कल एक रील आई थी इसी के ऊपर, विच वन इज़ ट्रू और नॉट, अगर तुमने नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार देख लेना। कि पूछा गया, एक फीचर पूछा गया इसी के ऊपर, मैंने डाली थी कॉमर्स ज्ञान वाले पेज पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल नॉट बी गिवन इन केस ऑफ कॉलेटरल सिक्योरिटी। और चौथा एक और सुन लो, चौथा, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। पहला क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएट, इंटरेस्ट एप्रोप्रिएट नहीं होती। अब देखो, कंपनी ने अगर डिबेंचर पब्लिक को दिए तो इसके बदले वो उसको क्या देगी?
पर कंपनी ने अगर डिबेंचर बैंक को दिए और इशू नहीं करे उसको क्या करा है, कॉलेटरल का क्या मतलब होता है, गिरवी रखा हुआ है, तो इस पे कोई भी ब्याज नहीं दे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स अगर हम पढ़ के देखें कि टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, तो ये क्लास 11 में पढ़ते थे हम लोग, पर अभी हम पढ़ना चाहें तो नॉर्मल पढ़ सकते हैं। पहला होता है सिक्योरेबल एंड अनसिक्योर्ड। इसका क्या मतलब होता है, अगर कंपनी पब्लिक से पैसा लेने गई, लोन लेने गई, तो कंपनी अगर बैंक में लोन लेने आती है तो बैंक उसको कंपनी को पैसा तो दे देगी, बट क्या मांगेगी उससे, कुछ गिरवी, कॉलेट्रल, कुछ कॉलेट्रल। तो ऐसे ही जब आप डिबेंचर नॉर्मल पब्लिक को इशू करते हो तो कंपनी इनसे पैसा तो ले लेती है, पर उस डिबेंचर के बदले कुछ असेट को गिरवी रखेगी, तो उसको बोलते हैं सिक्योरेबल डिबेंचर। कौन से डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर। क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड क्यों बोलते हैं इसमें, क्या कल अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो उसके असेट को बेच के पैसा ले सकते हैं। दूसरा अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जब पब्लिक से पैसा तो ले लेते हैं पर कोई असेट गिरवी नहीं रखते, और जब कोई असेट गिरवी नहीं रखते हो तो इसमें पैसा मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं या नहीं बढ़ जाते। तो अगर आप एज अ पब्लिक, मैं बोलता हूँ कि मैं कंपनी हूँ, आप पब्लिक हैं, मैंने बोला मैं एक 10% डिबेंचर इशू कर रहा हूँ और एक 15% डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, एक 10% डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, एक 15% डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, 10% वाला सिक्योर्ड है और 15% वाला अनसिक्योर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1,00,000 रुपये अगर आपसे लेता हूँ तो मुझे इस वाले केस में, पहले वाले केस में 10,000 रुपये ब्याज देनी होगी, और दूसरे वाले केस में मुझे कितनी ब्याज देनी होगी, 15,000 रुपये। बट आप कौन सा चुनोगे, 10 वाला, क्यों, क्योंकि सिक्योर्ड है। तो ध्यान रखना अनसिक्योर्ड में हमेशा के हमेशा ज़्यादातर क्या होता है, परसेंटेज ज़्यादा दी जाती है, लालच ज़्यादा दी। पहले तरीके का होगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। दूसरा होता है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। डिबेंचर्स को हमें लौटाना होता है, हाँ या ना, डिबेंचर्स को हमें लौटाना होता है, हाँ या ना। जब हम डिबेंचर्स को लौटाते हैं तो कंपनी एक ऑप्शन रखती है कि भाई 1,00,00,000 रुपए का डिबेंचर्स थे, 1,00,00,000 के डिबेंचर्स थे, 1,00,00,000 रुपए के, रुपए 1,00,00,000 डिबेंचर नहीं, 1,00,00,000 रुपए के डिबेंचर्स थे। कंपनी जनता से कहेगी 15 साल बाद कि भैया हम पे 1,00,00,000 रुपए तो हैं, हम ये पैसा आपको लौटाना चाहते हैं, तो आप पैसा लोगे कि हाँ ले लेंगे। फिर कंपनी एक ऑप्शन और देगी कंपनी को कि पैसा मत लो, एक काम करो अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कर लो। भैया कन्वर्ट करने मतलब, या तो आप न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो, मतलब जो ये 10% वाले डिबेंचर थे इनको हम 15% में कर देंगे आपके डिबेंचर, और आने वाले 15 साल के लिए और रख लेंगे। दूसरा, अगर आपको 15% नहीं पसंद आ रहा तो आप एक काम करो इसको इक्विटी शेयर में बदल लो, और अगर ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप किस में बदल लो, प्रेफरेंस शेयर में। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। और जो नॉन कन्वर्ट होते हैं वो डिबेंचर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। ज़्यादातर जितने भी डिबेंचर होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन, और कन्वर्टेबल वाले कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा पब्लिक आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कंपनी है रिलायंस, वो बहुत बेसिक लेवल पर चल रही है, या फिर एक कंपनी है जियो, या फिर एक कंपनी बहुत छोटी कंपनी जीरोधा कंपनी मान के चल लेते हैं, या स्विगी जोमेटो मान के चल लेते हैं, उन्होंने आपसे डिबेंचर लिए 15 साल बाद, मतलब 15 साल के लिए आपने पैसा दे दिया, और 15 साल के बाद आपने देखा उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आपको 15 साल बाद कंपनी पैसा लौटाने के लिए बोलती है, पर कंपनी ऑप्शन रख देती है कि भैया हम पैसा तो लौटा दे रहे हैं, पर जिसको पैसा लेना है तो वो तो पैसा ले ले, जिसको पैसा नहीं लेना वो इक्विटी शेयर में बदल ले अपना पैसा। तो आप इक्विटी शेयर में बदलोगे या फिर आप पैसा वापस ले लोगे। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, अगर कंपनी आपको देखो 15 साल बाद पैसा लौटाएगी कंपनी, पर 15 साल बाद लौटाने पर जैसी आती है तो कंपनी बोलती है कि भाई या तो आप पैसा ले लो या फिर इतने रुपए के ही और थोड़े से ज़्यादा शेयर ले लो, तो आप कौन सी चीज़ लेना पसंद करोगे।
शेयर्स, क्यों हम प्रॉफिट होल्डर बन जाएंगे, बट शेयर्स में प्रॉफिट कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है, तो डिपेंड अपॉन करता है मूड के भाई उस समय उस कंपनी के क्या लेवल चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ एक छोटी सी कंपनी है जिसने 10 लाख रुपए से चालू किया था, आज भी 10 लाख रुपए है, 15 साल बाद आपसे बोलते हैं कि भाई पैसा वापस ले लो, तो आप पैसा वापस लोगे या वो शेयर्स में कन्वर्ट करोगे, तो डिपेंड करता है आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, ये शेयर्स डिबेंचर का बहुत कंट्रास्ट और फीचर है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। इसका क्या मतलब होता है, 15 साल बाद जो शेयर जो डिबेंचर्स को आप वापस कर दोगे पब्लिक को उसको बोलते हैं, और जो कभी भी वापस नहीं कर पाओगे, मतलब ये किसकी तरह हो गए, शेयर की तरह, आप हर साल क्या लेते जाओ पूरी जिंदगी 100 साल 120 साल तक आप क्या लेते जाओ इंटरेस्ट, तो उसको बोलते हैं इररिडीमेबल। पर हमारे कोर्स में मतलब हमारे ज़्यादातर जितने भी लाइफ में ज़्यादातर कौन से शेयर चलते हैं, डिबेंचर चलते हैं रिडीमेबल, कौन से चलते हैं रिडीमेबल। ये मैंने आपको इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि क्लास जब तक मैं MCQs को चेक कर रहा था तो ज़्यादातर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। क्या पूछे जा रहे थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब डिबेंचर्स के नाम होते हैं जैसे शेयर्स के नाम होते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ऐसे डिबेंचर्स के नाम होते हैं। डिबेंचर का क्या नाम होता है, एक होता है परसेंटेज डिबेंचर, तो ये 8% हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि 8% की ब्याज है, और इसका क्या मतलब हुआ, तो ये दोनों डिबेंचर एक ही हैं या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों बेटे हैं अलग अलग, एक 8% वाला एक 10% वाला, एक ज़्यादा खर्चीला और एक कम खर्चीला। समझ में आ गई, समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिबेंचर्स को जब पब्लिक को दिया जाता है तो डिबेंचर की एक कीमत रखी जाती है, उस कीमत को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। शेयर्स में फेस वैल्यू रखते थे नहीं रखते थे, अगर क्वेश्चन में फेस वैल्यू मिसिंग है तो कितनी मानते थे हम शेयर्स की, कितने मानते थे बता, सही बताया था किसी ने भी 10, पर डिबेंचर की फेस वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो कितना मानेंगे 100, कितनी मानेंगे 100 मान के चलेंगे। नाउ डिबेंचर शेयर्स को जब हम इशू करते थे तो या तो वो पार पे होते थे या वो प्रीमियम पे, पर जो डिबेंचर जो इशू होते हैं वो पार पे भी होते हैं, यानी 100 का डिबेंचर 100 में बेचा प्रीमियम पे, 100 का डिबेंचर 110 रुपये में बेचा डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर 80 रुपये। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ा सॉरी बोलूँगा, बार बार मेरे मुँह से शेयर्स निकलेगा क्योंकि शेयर्स के क्वेश्चन हम ज़्यादा करते हैं, तो शेयर का मतलब भी यहाँ पे डिबेंचर ही है। ओके ना, अगर एक साथ पैसा मांगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और टुकड़ों में मांगते हैं तो इंस्टॉलमेंट। पहले लमसम पढ़ के देखते हैं, ठीक है ना, लमसम की जनरल एंट्री, यहाँ पे भी जनरल एंट्रीज हैं और कुछ नहीं है, जनरल एंट्री, ठीक है ना। पहली जनरल एंट्री आपकी पार की होगी, दूसरी प्रीमियम की, और तीसरी हम किस किस कहेंगे डिस्काउंट। इफ यू लुक टू द स्क्रीन, तो पहली एंट्री हमेशा बैंक अकाउंट से होगी जो शेयर की होती थी। शेयर की पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और लमसम की क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सेम इधर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अब शेयर नहीं होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 का शेयर था तो 100 रुपये यहां पर आ गए, 100 रुपये यहां पे आ गए, ठीक है, डन। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर यहाँ पे बिल्कुल शेयर कैपिटल की तरह यूज हुआ है, शेयर कैपिटल जैसे अपनी फेस वैल्यू का पैसा मांगता था, ऐसी परसेंटेज डिबेंचर अपनी फेस वैल्यू का पैसा मांगेगा, ना ज्यादा ना कम, परसेंटेज लग जाएगा। परसेंटेज का क्या मतलब होगा, क्वेश्चन में अगर 8% है तो 8% लिखोगे, 9% है तो 9% लिखोगे, 10% है तो 10% लिखोगे। ये पहली एंट्री थी आपकी पार की, खत्म हो गई है। अब दूसरी प्रीमियम पे चलते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 110। भैया 110 रुपये क्यों मांगे? 10 रुपये प्रीमियम के मांगे गए। अब 10 रुपये ज़्यादा मांगे गए हैं तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट शेयर्स में आता था 2 शेयर कैपिटल पर, यहाँ पे क्या आएगा 2% डिबेंचर। शेयर्स में आता था 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे भी क्या आएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। स्क्रीन पे देखिएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपये की थी। मैंने बोला था परसेंटेज डिबेंचर शेयर कैपिटल की तरह वर्क करता है, ये अपनी फेस वैल्यू का पैसा मांगेगा। फेस वैल्यू कितनी है केवल क्वेश्चन में? 100। फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो 100 और प्रीमियम कितने का है? 10। डिस्काउंट की पढ़ते हैं अब। डिस्काउंट की 100 - 20, मतलब आपने अपने डिबेंचर 100 की कीमत के कितने रुपए में बेच दिए? 80 रुपए में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 80। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। प्लीज अभी सेकंड एंट्री ना मत लिखिएगा, स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज। डिबेंचर एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 80 रुपए की एप्लीकेशन, 80 रुपए की है। फेस वैल्यू 100 की थी, 20 का डिस्काउंट है। ये परसेंटेज डिबेंचर किसकी तरह वर्क करता है? शेयर कैपिटल का। इसको क्या चाहिए होता है? अपनी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की है इसकी? 100। तो 100 रुपए ही मांगेगा ये। अब मिसमैच हो रहा ही नहीं हो रहा, यहाँ पे 80 यहाँ पे 100, कुछ बीच में आना चाहिए था। यानी बीच में क्या आएगा? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है तो डिस्काउंट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने रुपए का? 20 रुपये। प्लीज आप लोग कितना उतार लें, स्क्रीन को पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम लोगों ने लमसम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे इंस्टॉल, शायद हो सकता है। अब इंस्टॉलमेंट मेथड में शेयर्स की तरह इंस्टॉलमेंट होती हैं। ज़्यादातर हमने 4 इंस्टॉलमेंट पढ़ी हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का। अब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को एक ही कॉल मान के चलूँगा, ठीक है ना? ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस चीज़ को। अब पार की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल जैसी रहती है वैसी रहेगी। डिस्काउंट की क्या रहेगी? वो प्रीमियम की क्या रहेगी? प्रीमियम की। एंड डिस्काउंट की डिस्काउंट। और चारों ही कॉल पर डिस्काउंट प्रीमियम किसी पर भी आ सकता है, ठीक है ना? पहली जनरल एंट्री करके देखते हैं भैया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, तीसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिफ्थ डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बस खत्म। सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर फाइनल कॉल ना हो तो इसके आगे और कॉल्स आती रहेंगी, अभी हम इतने ही मान के चल रहे हैं। नरेशन सबको आती ही होंगी। अगर यही चीज प्रीमियम पे मांगी जाती है, अब प्रीमियम की एंट्री पे प्रीमियम मांगा जाएगा, प्रीमियम किसी भी कॉल पे मांगा जा सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर बैंक डेबिट होगा तो कभी भी प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम दूसरी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर के साथ ही आएगा, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपी लिख रहा हूं मैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीके सॉरी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, अलॉटमेंट पे भी एसपी आ सकता है तो टू एसपी। फोर्थ डिबेंचर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पांचवी एंट्री डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, मैंने फर्स्ट को ही फाइनल मान लिया, अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। प्लीज को ताल लें। अब करते हैं हम लोग डिस्काउंट की एंट्री। डिस्काउंट भी किसी भी कॉल पे ले लिया जा सकता है, डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर के साथ ही डिस्काउंट आएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू है पूरा, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तीसरी एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट, टू नहीं आएगा पहले डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट अलॉटमेंट पे भी आ सकता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फिफ्थ डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हैं, टू परसेंटेज डिबेंचर। और सिक्स्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल। ओके बच्चों, आज डिबेंचर्स के हमने ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लिया है, कल से हम प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे पार्ट टू में, ठीक है। दैट्स इट फॉर माय साइड, थैंक यू एवरीवन, आज की क्लास यहीं पे एंड होती है।